सिग्नेचर ग्लोबल वीकेंड पर आए हैं, नतीजे में आपके सामने जल्दी से नतीजे रख दूं। आय में देखिए 660% की बढ़त, यहाँ 98 करोड़ से 750 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है आय का आंकड़ा। वहीं कामकाजी मुनाफा जो 6 करोड़ का लॉस था 11 करोड़ के लॉस में तब्दील हुआ है, यानी लॉस बढ़ाए, लेकिन मुनाफा जो 20 करोड़ का लॉस था वो 4 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा। तो काफी इंटरेस्टिंग नतीजे दिख रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब जरा समझाए, नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, जहां एक और रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा है, एबिटा लॉस बढ़कर आया है, नुकसान से मुनाफे में आई कंपनी, कैसे देखा और समझा जाए आपके नतीजों को? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। बिल्कुल, जो नंबर्स हैं कंपनी के वो काफी ज्यादा बेहतर हैं। जैसा कि आपने कहा, जो रेवेन्यू है उसका, उसके अंदर काफी एक बड़ा जंप दिखाई दिया है। अगर आप ध्यान करें तो लास्ट जब आप उससे इंटरव्यू ले रहे थे उस वक्त मैंने कहा था कि जो हमारे साल का जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो लगभग 3800 करोड़ रुपए होगा, जो उससे लास्ट साल के कंपैरिजन में 1200 करोड़ के कंपैरिजन में लगभग 300% से ज्यादा था। सो आप ये देखिए, इस बार का जो हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन है जितना H1 में हुआ है उतना लास्ट ऑलमोस्ट पूरे साल का था। तो रेवेन्यू रिकग्निशन हो रहा है, जो प्रॉफिट मार्जिन है धीरे धीरे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर शो करना शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि कंपनी अब स्टेबल होती जा रही है, थोड़ा मैच्योर होती जा रही है। और एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, आप इस बार का जो हमारा H1 का जो प्री सेल नंबर है वो यानी सबसे बेहतर गया है आज तक की सिग्नेचर ग्लोबल की हिस्ट्री में। जो हमने लगभग 10,000 करोड़ का गाइडेंस प्री सेल का दिया था उसके अगेंस्ट हम लगभग 60% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ पैट नंबर्स हैं या रेवेन्यू रिकग्निशन नंबर है, आने वाले वक्त में और भी बेहतर आपको होते हुए नजर आएंगे। ये तो प्री सेल्स का आंकड़ा बहुत मजबूत है, लगभग 60% प्री सेल्स इस पूरे साल के आप पहले 6 महीने में कर चुके हैं। लेकिन फिर कामकाजी मुनाफा जो लॉस में आया 11.5 करोड़, उसकी क्या वजह है सर? सो अनिल जी, क्या है कि जो कंपनी का जो प्री सेल नंबर है जिसमें आप जम देख रहे हैं, क्या है उसकी SG&A कॉस्ट है, क्योंकि आप इतना बड़ा ऑफिस रन कर रहे हैं, साथ में ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पर इमीडिएट आपके हिट करता है। और जो आपका रेवेन्यू रिकग्निशन होना है वो आफ्टर द जो OC कंप्लीशन होना है। सो गैप कितना है, जो आपका रेवेन्यू रिकग्निशन है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए के टोटल नियर अबाउट है, और आपका प्री सेल नंबर है वो लगभग 6000 करोड़ है। तो दोनों का जो ये गैप है ये कहीं ना कहीं उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको डिप कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई चीज आप सेल कर चुके हैं तो उसका प्रॉफिट आने वाले वक्त में आप रिकॉग्नाइज करने वाले। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अब आइए सर डेट लेवल पर बात करते हैं। आपने नेट डेट अभी आपका करीबन मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपए के आसपास चल रहा है, और जरा समझाएं सर इसको, इस वित्त वर्ष के अंत तक कहां तक लाना चाहते हैं आप? सो अनिल जी, मैं करेक्ट करूं आपको, नेट डेट जो अभी हमारा है इस साल इस H1 में 1000 करोड़ रुपए के नियर अबाउट है, जो पिछले H1 के मुकाबले 1160 करोड़ रुपए था। तो आप ये देखिए, नेट डेट हमारा गिरा है, और इस साल की हमने गाइडेंस दी है कि जो हमारा नेट डेट है वो सब्सटेंशियली डाउन होगा। और ऑफ कोर्स किसी भी एक कंपनी के लिए जो इतना बड़ा काम कर रही है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का जो डेट है मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हम बहुत फोकस्ड है इस चीज को लेकर कि आने वाले वक्त में जो नेट डेट है वो भी काफी ज्यादा सेकंड जो H2 है उसके अंदर काफी ज्यादा डाउन होने की संभावना है। ओके, अब सर आपके रियलाइजेशन काफी बढ़कर आए हैं इस तिमाही में, पिछले तिमाही के मुकाबले में, डिमांड और प्राइस इन दोनों का ट्रेंड अगले 6 महीने के लिए कैसे देख रहे हैं आप? सो देखिए, डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, खास करके अगर टिकट साइज की बात करें, जहां 2 से 3 करोड़ रुपए का टिकट साइज है वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है। भी रिसेंटली अभी एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो सोना रीजन में है, लगभग उसका टोटल जो पोटेंशियल है वो लगभग 8000 करोड़ रुपए का है। उसके अंदर जो पहला फेज हमने लॉन्च किया था उस फेज में से काफी बड़ा सेल नंबर हमें अचीव हुआ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो टिकट साइज है 2 करोड़ रुपए का उसके अंदर डिमांड होने की वजह से इस क्वार्टर के अंदर भी उसका काफी बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो प्राइस रिलेशन की आपने बात की, लास्ट ईयर ये लगभग 11000 रुपए स्क्वायर फीट से कुछ ज्यादा थी, इस बार वो 13000 रुपए स्क्वायर फीट से कुछ इंक्रीज हुई है। तो ये जो प्राइस है ये इंक्रीमेंट आया है लास्ट एक साल के अंदर, और इसका भी फायदा कंपनी को कहीं ना कहीं हुआ है। मैं ये भी मानता हूं कि आने वाले वक्त में इस टाइप के जो प्राइस के जो गैप हैं
बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जो 13-13.5 हजार रुपए का पर स्क्वायर फीट का प्राइस है वो भी काफी अच्छा प्राइस है एंड काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर भी कंपनी को मिलता है। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए। सिग्नेचर ग्लोबल एक और दमदार तिमाही और पहले 6 महीनों में काफी कुछ साल भर के टारगेट आधे से ज्यादा हासिल करती हुई कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल आपके सामने स्टॉक डे हाई पर बातचीत करते करते अग्रवाल साहब से बातचीत करते करते स्टॉक में मजबूती लौटती हुई दिख रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भरोसा कर बाजार अब यहाँ पर रिकवरी के मूड में इस स्टॉक पर आपको नजर आएगा। आइए जयटक करें तैयार, बिल्कुल भी उनके लिए तैयार।